नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान का मुद्दा चल ही रहा है, मगर मनपा द्वारा सड़क विस्तारीकरण योजना के तहत कौसा स्थित पुराने कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने का मामला सामने आने के बाद मुंब्रा शहर का माहौल गर्म हो गया। दरअसल दो दिन पहले मनपा उपायुक्त मनीष जोशी ने मुंब्रा कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और जल विभाग के अधिकारियों ने कौसा कब्रिस्तान परिसर का दौरा किया। इस दौरान कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर पानी की पाइपलाइन को पीछे लेने की चर्चा की। इसकी जानकारी किसी ने ट्रस्ट के लोगों को दी। कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने की बात सुनकर मुंब्रा में माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद शनिवार को ट्रस्टियों और शहर के बड़े वहदादारों ने एक मीटिंग रखी। अगर ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, इस मीटिंग में चर्चा के दौरान साफ कहा गया, जब तक नए कब्रिस्तान का काम पूरा नहीं किया जाता है, तब तक कब्रिस्तान की दीवार नहीं तोड़ने देंगे। आपको बता दें कि मुंब्रा में कब्रिस्तान को लेकर लोग काफी परेशान हैं। जो कब्रिस्तान दिया गया है वो तो मिल नहीं रहा है, वहीं जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है। मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ट्रस्ट की जमीन को मनपा की प्रॉपर्टी समझ रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। अगर मनपा को कब्रिस्तान की दीवार तोड़ना ही है तो पहले मित्तल व बाईपास के बगल के कब्रिस्तान को जल्द पूरा करके दे। मनपा अधिकारियों को ट्रस्ट और जनता को लेकर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें और इस मसले को सुलझाएं, ना कि कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने की बात करें। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।